दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक बार एक कक्षा में 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। 8 को जैसे ही थप्पड़ लगा, 8 ने 9 से पूछा, भाई तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? 9 ने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मार सकता हूं। यह सुनकर मानो वहां थप्पड़ों की बौछार लग गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और इसी तरह से जब 2 ने 1 को मारा तो यह देखकर शून्य कहीं कोने में जाकर छिप गया। शून्य को कोने में छिपा देखकर 1 ने कहा कि भाई तू छिप मत, मैं तुझको नहीं मारूंगा, और 1 शून्य की बगल में जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर शून्य बड़ा हैरान हुआ। शून्य ने 1 से पूछा कि जब यहां सभी बड़े छोटे को थप्पड़ मार रहे थे तो तुमने तो मुझे शून्य से 10 बना दिया, यानी कि अपने आप से बड़ा बना दिया, ऐसा तुमने क्यों किया? तो 1 ने शून्य की यह बात सुनकर बहुत ही सुंदर जवाब दिया और कहा कि बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा वो होता है जो अपने से छोटे को बड़े होने का एहसास करा दे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बड़ा वह नहीं होता जिसका मोल, जिसकी ताकत, जिसकी उम्र बड़ी होती है। बड़ा होता है इंसान अपने ज्ञान से, बड़ा होता है इंसान अपनी सोच से। थैंक यू। थैंक यू सो मच।